दोस्तों कहते हैं ना, चिंता चिता समान होती है। मतलब यदि आप ज्यादा चिंता करेंगे ना तो आपकी चिता जल्दी बन जाएगी। हकीकत बात है दोस्तों, जो व्यक्ति ज्यादा टेंशन में रहता है ना, ज्यादा टेंशन ही लेता है, तो उसका शरीर खराब होना चालू हो जाता है। आप 10 दिन टेंशन लेके देखिए और 10 दिन खुश रह के देखिए, आपको अंतर खुद पता लग जाएगा कि आपके शरीर में टेंशन लेने से क्या बदलाव आया था और खुश रहने से क्या बदलाव आया था। अब बात करें दोस्तों, टेंशन लेने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों टेंशन अगर आप लेंगे ना तो आपकी जो मेमोरी है ना लॉस होने लग जाएगी, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ने लग जाएगी, आपका हार्ट है ना वीक होने लग जाएगा, आपकी किडनी कमजोर पड़ने लग जाएगी, आपको डायबिटीज की शिकायत होने लग जाएगी, आपका जो गैस वगैरह बनती है ना वो भी सबसे बड़ा कारण है टेंशन का, आपको यूरिनेशन की दिक्कत आने लग जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी जो मैंने बताया स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। और जो बच्चे पढ़ते हैं अगर वो टेंशन लेंगे ना तो कैसे पढ़ाई में अव्वल आए। दोस्तों शरीर का अगर नाश करना है ना, कबाड़ा करना है, तो आप टेंशन लेना चालू कर दीजिए जल्दी से। अगर आपको जाना है ना ऊपर भगवान के पास, तो टेंशन लेना चालू कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं आपको आत्महत्या करने की, अपना आप ही आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे दीमक पैदा होगी और आपके शरीर को खत्म कर देगी। हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, आप टेंशन लेंगे ना तो आपकी चिता जल्दी बन जाएगी, और यदि आपने खुश रहना चालू कर दिया तो आपकी शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपका शरीर है ना अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगा। यही फर्क होता है दोस्तों टेंशन ना लेने का। तभी तो कहते हैं ना कि खुश रहो मस्त रहो, और मेरा तो स्लोगन यही है, मस्त रहो स्वस्थ रहो। जो व्यक्ति मस्त रहता है ना दोस्तों वो स्वस्थ मिलता है 110%। आप 10 दिन करके देखिए, अपने आप को खुश रखिए, मस्त रहिए, किसी से लेना नहीं देना नहीं, संसार में कौन है कौन नहीं सबको भूल जाओ, बस अपने आप पे ध्यान रखो कि यार मुझे जीना है, चाहे साला कैसी परिस्थिति आ जाए मुझे हार नहीं माननी, लड़ लूंगा लेकिन हारूंगा नहीं। फिर देखना आप, आपकी जीवन है ना अलग ही दिखेगा। और यदि आपको टेंशन एक्सेप्ट आ रही है कि अभी यार मेरे को टेंशन हो रही है मैं क्या करूं, तो ऐसा पॉइंट लेके आया हूं, दबा लीजिएगा, कितनी बड़ी टेंशन हो रही हो आपको तुरंत गायब हो जाएगी, आपके शरीर में आ नहीं सकती टेंशन अगर आपने वो पॉइंट दबा के रखा। इतना जबरदस्त पॉइंट है। और अगर आपको क्रॉनिक परेशानी है कि टेंशन आप बहुत टाइम से ले रहे हैं और वो आपके दिमाग में बस चुकी है कि यार टेंशन लेना ही है मुझे, तो आप मैग्नेट लगाना चालू कर दीजिए, आपका शरीर रिलैक्स होने लग जाएगा, सब बीमारियां दूर भागने लग जाएंगी। खैर बात करें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको दबाना है और टेंशन भगाना है। दोस्तों वो पॉइंट देखिए, हमारे ये रिस्ट इसके नीचे आएंगे, देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब आप कहेंगे यार पॉइंट को ढूंढेंगे कैसे, करना क्या है दोस्तों, 3 फिंगर लेनी है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, थर्ड की हाफ, ये देखिए जैसे ये हाफ हुआ, 1 2 2.5 ढाई उंगल आपको इस तरीके से रखनी है, जहाँ पे ये लाइन आ रही है ना ये लास्ट वाली लाइन, इधर से आपने ढाई उंगली रखनी इस तरीके से, और जहाँ पे भी ये ढाई उंगली टच कर रही है एग्जैक्ट वही पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों P6, पेरिकार्डियम 6। इस तरीके से ढाई 3 फिंगर लें, जोन सी ये ढाई फिंगर जहाँ टच करेगी ना वही आपका एग्जैक्ट पॉइंट। सबकी फिंगर्स का हिसाब अलग होता है, आपको अपने हाथ की फिंगर इस तरीके से लेनी है दोनों जगह, और जहाँ पे भी ढाई फिंगर टच कर रही वही पॉइंट आपको इस तरीके से दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबा के रखना छोड़ना, दबा के रखना छोड़ना। फिर देखना आप टेंशन कैसी भी आ रही हो आपके पास, आसपास भी आएगी नहीं, दूर ही भाग जाएगी, इतना ज़बरदस्त पॉइंट है। माइंड है ना रिलैक्स होने लग जाएगा, और अगर आपने इसको दबाना चालू कर दिया डेली तो आपके शरीर की कई बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी, किडनी मजबूत हो जाएगी, डायबिटीज ठीक होने लग जाएगी, हार्ट मजबूत हो जाएगा, नींद नहीं आती थी नींद आने लग जाएगी, दिमाग टेंशन में रहता था स्ट्रेस फ्री रहने लग जाएगा, आपको सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी वो बढ़ जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य आपका शरीर पूरा ठीक हो जाएगा अगर आपने दबाना चालू कर दिया। बात करेंगे दोस्तों जिनको क्रॉनिक बीमारी है, मतलब बहुत टाइम से वो टेंशन ले रहे हैं और परेशानी बढ़ चुकी है, दबाने से भी नहीं जा रही, ढेट हो चुकी है,
मतलब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए चक्रा मैग्नेट, या दोस्तों पावरफुल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानेगी नहीं बीमारी इतनी जल्दी, क्योंकि टेंशन ही कहते हैं ना पूरे शरीर का नाश कर दी, तो आज हम टेंशन का नाश कर देंगे। इसके लिए हमें चाहिए चक्रा मैग्नेट एक तरफ से ऐसे, और एक तरफ से दोस्तों ये होती है ऐसे, और लेंगे दोस्तों पेपर टेप। अब बात करेंगे मैग्नेट कौन सा हिस्सा स्किन को टच कराना है, कौन सा हिस्सा हमें बाहर से दिखेगा। दोस्तों स्किन पे जो टच करेगा इसका ये वाला हिस्सा देखिए टच करा देंगे हम, ये P6 के ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। दोनों हाथों में लगाना दोस्तों, कोशिश करें रात को लगा लें आप, और कई दिनों तक लगा के रखें, क्योंकि परेशानी बढ़ी हुई है, क्रॉनिक है। जैसे जैसे आप लगाएंगे ना आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल सही हो जाएगी, बीमारियां दूर भागने लग जाएंगी। इतना ज़बरदस्त पॉइंट है। मैग्नेट्स मंगाने के लिए संपर्क करें 7840042753। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो पे, किसी नए टॉपिक। नमस्कार।